नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। ये बटन में रूट मारते हुए डीएसएस का और फिलर 2.594 का फिलर है, 6 नंबर सरामिक कप, और अंदर में देखते हैं हम पेंट नेशन कैसा आया है। एक बात को जरूर ध्यान रखिएगा, अपना आउट पास के लिए 4mm का जरूर एक होल मारिएगा डम्मी में। ये आप देख सकते हैं कि पेंट नेशन कितना ज़बरदस्त आ रहा है, बहुत ही स्मूथ। आप जब अंदर मारेंगे पेंट नेशन इसे दिखेगा। गाइस, जब हम एक बेवल से दूसरे बेवल पे काट के मारते हैं तो इस तरह अंदर में कुछ फॉक्स आएंगे, इसे घबराइएगा मत और पावर को अपना मेंटेन करके चलिएगा। बहुत ज़बरदस्त एक नंबर का आ रहा है। अब देखते हैं हम पावर कितना लिए हैं। पावर 87 पे लेकर मार रहे हैं। गाइस, आप जब भी कोई भी टेस्ट मारते हैं 6G पोजीशन में, पर्चिंग ज्वाइंट DSS हो या SS, अपना टॉर्च का फोक्स जो है अपने साइड में रखेंगे जैसे मैंने किया है, तो बहुत अच्छा रूट और पेंटनेशन आएगा। और दोनों बेवल को बराबर तरह से काटेंगे और फिलर को एज पे रख के काटते हुए मारते जाएंगे। चेक करते हैं ऑक्सीजन मॉनिटर। ये ऑक्सीजन मॉनिटर है, इसमें बताता है ऑक्सीजन कितना आना चाहिए, कितना होना चाहिए। तभी 0.1 पे दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो पर्चिंग निकलेगा तो 1, 2, 3 होता रहेगा, 6 होता रहेगा, पिन 0 भी होता रहेगा, तो आपको अच्छा तरह से रूट सिल्वर कलर में दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि बिल्कुल सिल्वर कलर का दिख रहा है आपको, ऐसा रूट आना चाहिए बिल्कुल सिल्वर कलर DSS में। गाइस, आप ओवरहेड में जब भी रूट मारना स्टार्ट करें तो अपना पर्चिंग को जरूर एक बार चेक करें। 40 पे कम से कम आपका पर्चिंग होना चाहिए फ्लोमीटर में, तब आपका पेंटनेशन अच्छा आएगा कलर। DSS मारने के टाइम ओवरहेड में 4mm का अगर गैप है, आपका जॉइंट जो लिए हैं अपना पीस बनाए हैं 4mm का गैप है और 2.5 का या 2.4 का आपका जो फिलर है, तो उस पर आप अपना पावर जो है मशीन का करंट रखेंगे 75 से लेकर 80 तक मारेंगे तो बहुत अच्छे तरह से आएगा। गाइस, DSS को डुप्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है और फिलर सेम यूज किया जाता है, 9425 का फिलर होता है, ये फिलर का कोड है। तो ओनली आपको हम बटम के बारे में जो भी कुछ है जानकारी DSS का दे रहे हैं। और सरामिक 6 नंबर लगा के मारिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।